स्क्रीन दिख रही है सबको? सर। चल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, इरिगेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ऑनलाइन बैच में पहले फ्लूइड मैकेनिक स्टार्ट की थी हमने, पर ऑफलाइन बैचेस की फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म हो गई है, तो जो हमारे कॉमन सब्जेक्ट है पहले वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर फ्लूइड मैकेनिक्स पे आएंगे। तो इरिगेशन कोई आपका ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ना ही ज्यादा डिफिकल्ट है। मैक्सिमम बच्चों ने तो शायद खुद पढ़ के भी कर लिया होगा, ठीक ना? लेकिन चलो फिर भी हमने तो करवाना ही है, तो स्टार्ट करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग से। ठीक है, सबसे पहली चीज व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन है क्या? ठीक है ना, तो बता सकते हैं मेरे को व्हाट इज इरिगेशन? व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन का मतलब क्या होता है? टू इरिगेट हाँ, इरिगेट द फील्ड, बिल्कुल सही, टू इरिगेट द फील्ड, लेकिन मतलब क्या है इरिगेशन का? व्हाट इज इरिगेशन? आर्टिफिशियली बिल्कुल, ये है बेसिकली। इरिगेशन इज नथिंग बट इट इज द साइंस ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। ठीक है ना, जो हम खुद से अपनी फील्ड्स में जो वाटर सप्लाई कर रहे हैं, हम खुद से जो अपनी फील्ड में वाटर सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट इरिगेशन। दैट इज नथिंग बट इरिगेशन। ठीक है, दैट इज नथिंग बट योर इरिगेशन। ठीक है ना, तो इरिगेशन इज साइंस ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स। राइट, अब अगली चीज आती है, नेक्स्ट चीज आती है कि भाई इरिगेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है, हमें जरूरत क्यों है इरिगेशन की? व्हाई डू वी नीड इरिगेशन? ठीक है, देखो बेसिकली दिक्कत क्या है कि जैसे हम इंडिया की बात करें, अपनी कंट्री की बात करें, अब यहाँ पे जो बारिशें हैं, यहाँ पे जो मानसून है, दैट इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू मंथ्स ओनली। जैसे आपका जून जुलाई में अगस्त में हो बारिश, या फिर उसके बाद सर्दियों में जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आती है उस टाइम बारिश होती है। ठीक है ना, तो रेनफॉल इज नॉट कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल आपको बारिश नहीं मिलेगी। राइट, तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे क्रॉप्स होते हैं, कुछ क्रॉप्स को वाटर इनिशियल स्टेज में रिक्वायर्ड होता है, कुछ जो क्रॉप्स होते हैं उनको जो वाटर है इट इज रिक्वायर्ड इन इन इंटरमीडिएट स्टेज। कईयों को हार्वेस्टिंग से पहले रिक्वायर्ड होता है, कईयों की वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। जैसे हम राइस की बात करें, अगर आपने राइस की फील्ड्स देखी हो, जो हम इनिशियली जो सोइंग करते हैं, उस केस में क्या होता है, पानी हमने बहुत ज्यादा रखना होता है हमें, ताकि जो आपका राइस का जो क्रॉप है उसको जब वो उसकी वो निकलता है, तो उसको खड़े होने के लिए उसको सपोर्ट, लेटरल सपोर्ट चाहिए होती है। तो आपकी जो फील्ड होती है वो पूरी पानी से भरी होनी चाहिए। तो अगर हम टोटली रेनफॉल पे डिपेंड हो जाए कि भाई इतना पानी हमें रेनफॉल से मिलेगा, तो हमारी तो क्रॉप खराब होना 100% पॉसिबल है। राइट, तो इसलिए क्या करते हैं, इसलिए हम करते हैं आर्टिफिशियली, हम क्या करते हैं वाटर को आर्टिफिशियली, क्रॉप्स को कहते हैं वाटर सप्लाई करते हैं। तो इस आर्टिफिशियल एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, इस आर्टिफिशियल एप्लीकेशन को हम बोलते हैं आपका इरिगेशन। इसको हम बोलते हैं इरिगेशन। ठीक है, तो अब जो सॉइल होती है, आपकी जो सॉइल होती है, सॉइल के अंदर जो वाटर है इट इज प्रेजेंट इन थ्री फॉर्म्स। जो आपका सॉइल वाटर है, जो आपका सॉइल के अंदर जो वाटर है इट इज क्लासिफाइड इंटू थ्री फॉर्म्स। क्लासिफाइड इंटू थ्री फॉर्म्स। फर्स्ट इज योर ग्रेविटी वाटर। फर्स्ट इज ग्रेविटी वाटर। सेकेंड इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। एंड द लास्ट लास्ट वन जो कि एक्चुअल में प्लांट्स को यूजफुल है, जो प्लांट्स के, दैट इज कैपिलरी वाटर। कैपिलरी दैट इज कैपिलरी वाटर। ठीक है,
तो ये आ गए तीन मेजर फॉर्म्स, ये तीन मेजर फॉर्म्स जिसमें आपका वाटर जो है सॉइल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक एक करके सबकी बात करेंगे, एक एक करके सबकी बात करेंगे। पहले बात करते हैं, फर्स्ट इज योर हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। किसी को कोई आइडिया व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर? What is hygroscopic water? ठीक है, देखो hygroscopic water क्या होता है basically? जो soil, आपकी atmosphere से जो water absorb कर रही है, ठीक है ना, जो water, जो soil एक atmosphere से water जो absorb कर रही है, that is nothing but hygroscopic water. अगर let's suppose हम एक oven dried sample रखते हैं, जो पूरी तरह की जिस हमें soil को ड्राई किया हुआ है, ठीक है, ऐसा हम एक ओवन ड्राइड सैंपल हम एटमॉस्फेयर में रख दें, हम ओपन एयर में रख दें, तो वो जो ओवन ड्राइड सैंपल जो वाटर अब्सॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से, दैट इज नथिंग बट हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है, तो व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर? इट इज नथिंग बट वाटर अब्सॉर्ब्ड by an oven dried sample of soil from atmosphere ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है, जब ये सॉइल एटमॉस्फेयर से वाटर अब्सॉर्ब करती है, तो उसके साथ केमिकल बॉन्ड बना लेती है, ठीक है ना, तो ये करती है केमिकल बॉन्ड विद वाटर, ठीक है। और जब आपका वाटर सॉइल के साथ केमिकली बॉन्डेड हो जाता है तो प्लांट्स के लिए उस वाटर को अब्सॉर्ब करना या उस केमिकल बॉन्ड को तोड़ पाना प्लांट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता, राइट, तो दैट मींस योर हाइग्रोस्कोपिक वाटर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स। सो दैट मींस दिस हाइग्रोस्कोपिक वाटर कैन नॉट बी utilized by plants, So that means जो हमारे तीन टाइप के वाटर हैं, ग्रेविटी, हाइग्रोस्कोपिक और कैपिलरी, उसमें से जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है that cannot be used by plants, ठीक है। तो अब हाइग्रोस्कोपिक वाटर की कुछ लिमिट्स हैं, जो अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल कितना आपका वाटर अब्सॉर्ब करती है, ठीक है ना, तो वो आता है आपका soil और इनकी हाइग्रोस्कोपिक कैपेसिटी, मतलब वाटर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी, ठीक है ना। पहले आ गया सैंड, सेकंड इज सिल्ट, and third is clay. ये आपने soil में भी पढ़ा होगा कि किस कौन से type of soil की water holding या water retaining capacity ज़्यादा होती है, तो उसी की भी hygroscopic capacity ज़्यादा होगी। तो इसमें से किसकी hygroscopic capacity ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी? सबसे ज़्यादा hygroscopic capacity किसकी होगी? clay होगी clay की, और सबसे कम किसकी होगी? और सबसे कम होगी सैंड की, राइट, ठीक है। तो सैंड की हाइग्रोस्कोपिक कैपेसिटी है 3%, सिल्ट की 7% एंड क्ले की 17%, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है। तो हाइग्रोस्कोपिक कैपेसिटी फॉर सैंड इज 3%, सिल्ट इज 7% एंड योर क्ले इज 17%, ठीक है। तो दिस इज योर हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकेंड इज योर ग्रेविटी वाटर,
ग्रेविटी वाटर, नेक्स्ट इज योर ग्रेविटी वाटर। ठीक है, अब ग्रेविटी वाटर क्या होता है बेसिकली? ग्रेविटी वाटर क्या होता है? दिस इज द पार्ट ऑफ वाटर। ये आपके वाटर का वो पार्ट है, ये आपके सॉइल वाटर का वो पार्ट है विच इज ड्रेन्ड बाय द ग्रेविटी। मतलब जो ग्रेविटी के एक्शन के कारण इट परकोलेट्स इनटू डीप सॉइल। समझ गए? बेसिकली क्या, अब आपका हर चीज के ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। लेट सपोज आपकी बारिश हुई, या आपने लेट सपोज इरिगेशन करी। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि हम जितना पानी लगा रहे हैं सारा का सारा प्लांट यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट? हमने क्या किया, इरिगेशन करी, या लेट सपोज आपकी बहुत बारिश हुई, आपकी जो सॉइल है इट हैज रीच्ड इट्स 100% सैचुरेशन कैपेसिटी। ठीक है ना, आपकी बारिश हुई बहुत ज्यादा, एंड योर सॉइल हैज रीच्ड इनटू हैज रीच्ड टू इट्स टू इट्स सैचुरेशन कैपेसिटी। तो अब क्या होता है, अगर हम उस सॉइल को एज इट इज छोड़ दें कुछ दिनों के लिए, तो उस वाटर का कुछ पार्ट जो होता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो क्या करता है, परकुलेट कर जाता है डीप सॉइल में। ठीक है, जब वो एक बार डीप सॉइल में परकुलेट कर गया, जब एक बार वो वाटर प्लांट की रूट जोन में से निकल गया, रूट जोन मतलब जिस जोन में से प्लांट की जो रूट्स हैं वो आपका वाटर अब्सॉर्ब करती हैं। ठीक है ना, तो एक बार जब वो रूट जोन से बाहर हो गया, अब वो वाटर प्लांट यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो ऐसे वाटर को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी वाटर। मतलब जो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी The water which percolates deep into deep soil and cannot be used by the plants, that is called as gravity water. ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ठीक है, तो what is gravity water? Water which percolates into deep soil beyond the root zone of plants under the action of gravity is known as gravity water. तो इसका मतलब क्या हुआ? Even this water cannot be utilized by plants. Even this water cannot be utilized by plants. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो तीन टाइप ऑफ वाटर हैं, ग्रेविटी, हाइग्रोस्कोपी और कैपिलरी, उसमें से दो टाइप ऑफ वाटर तो प्लांट यूज ही नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली लास्ट कौन सा बचा? लास्ट इज योर कैपिलरी वाटर। थर्ड इज योर कैपिलरी वाटर, राइट? तो कैपिलरी वाटर कौन सा हुआ? ये वो वाटर है जो ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट अपना जो वाटर है दैट इज हेल्ड इन सॉइल। बेसिकली ग्रेविटी के अगेंस्ट जो पानी सॉइल रिटेन कर लेती है, ठीक है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो सॉइल आपके जो वाटर को रिटेन कर लेती है, दैट इज योर कैपिलरी वाटर। ठीक है ना, बेसिकली होता है कि सॉइल के जो वॉइड्स होते हैं, जो छोटे छोटे वॉइड्स होते हैं, उसमें क्या होता है, ये वाटर क्या होता है, अपने आप को स्टोर कर लेता है। ठीक है, अपना वाटर अपने आप को करता है, स्टोर कर लेता है। एंड इट इज हेल्ड अगेंस्ट योर ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वाटर अपनी जगह पे रहे, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर। ठीक है, क्लियर है चीज। बेसिकली हुआ क्या, हमने क्या किया, सॉइल की लेट सपोज बारिश हुई है, हमने इरिगेट कुछ भी किया, सॉइल अपनी 100% कैपेसिटी पे पहुंच गया। कुछ देर बाद, हो सकता है 2 दिनों बाद, 3, 4, 5 दिन के बाद, कुछ जो वाटर है दैट इज ड्रेन्ड बाय द ग्रेविटी, वो क्या हो गया आपका, ग्रेविटी वाटर। और जो पानी बच गया दैट इज योर कैपिलरी वाटर। ठीक है ना,
इसी वाटर को, अब जो वाटर बचा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसको हम और क्या बोलते हैं साथ में, और हम बोलते हैं उसको फील्ड कैपेसिटी, इसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी, ठीक है ना। बेसिकली जो आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर है और जो आपका कौन सा था, ग्रेविटी वाटर, ठीक है, उसके बाद जो पानी बचेगा दैट इज योर कैपिलरी वाटर, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक सॉइल का हम फेज डायग्राम बनाते हैं, उससे समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लेट सपोज ठीक है लेट सपोज ये आ गया एक आपका सॉइल का फेज डायग्राम। जो ये टॉप वाटर है, दिस इज योर ग्रेविटी वाटर, ठीक है, दिस इज योर ग्रेविटी वाटर, ठीक है। अब ये वाटर क्या है, दिस विल बी ड्रेन्ड बाय द ग्रेविटी, ठीक है। ये आ गया आपका ग्रेविटी वाटर। अब ये मत समझना कि इस सीक्वेंस में पानी आपका सॉइल में होता है, ठीक है। दिस इज जस्ट अ फेज डायग्राम। ये आ गया ग्रेविटी वाटर एंड दिस इज योर, ये जो ये आ गया, ये नीचे वाला आ गया, दिस इज योर हाइग्रोस्कोपिक, दिस इज योर हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और नीचे आ गया आपको सबसे लास्ट में सॉइल सॉलिड्स, ये आ गया आपको सॉइल सॉलिड्स, ठीक है। तो ये मत समझना कि आपका इस सीक्वेंस में लेयर होती है, दिस इज जस्ट अ फेज डायग्राम, सब कुछ इंटरमिक्स्ड होता है, ठीक है ना। तो ये ग्रेविटी वाटर, और जो आपका ग्रेविटी वाटर और जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर के बीच में जो ये लिमिट है, दिस इज योर इसे हम क्या बोलेंगे आपका, ये आ गया आपका कैपिलरी वाटर, जो वाटर प्लांट यूटिलाइज कर सकता है, दिस इज योर कैपिलरी वाटर, दिस इज योर कैपिलरी वाटर, ठीक है। तो ग्रेविटी वाटर, जब आपका ग्रेविटी वाटर इज रिमूव्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो उसके बाद जो आपका वाटर बचता है, उसके बाद जो आपकी हाइट बचती है, जो डेप्थ बचती है, उसे हम बोलते हैं, ये जो ये लिमिट इसे हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। तो जब आपकी डेप्थ ऑफ वाटर कहां पहुंच गई, फील्ड कैपेसिटी में, दैट मींस दिस वाटर कैन बी यूटिलाइज्ड बाय योर प्लांट्स। By your plants. अब ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा जो कैपिलरी वाटर है, इट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि ये सारा का सारा जो आपका कैपिलरी वाटर है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स। इसकी भी एक लिमिट है, एंड दैट लिमिट इज कॉल्ड विल्टिंग पॉइंट और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये आ गई लिमिट जहां तक आपका प्लांट यूज कर सकता है, दिस इज कॉल्ड Wilting point, जिसको हम डिनोट करते हैं phi से। So that means आपकी जो ये लिमिट आ गई कहां तक, फील्ड कैपेसिटी से लेके विल्टिंग पॉइंट तक, ठीक है। जो ये लिमिट आ गई कहां तक, फील्ड कैपेसिटी से विल्टिंग पॉइंट तक, दैट इज योर
दिस इज योर अवेलेबल मॉइस्चर, ठीक है, जो ये लिमिट है फ्रॉम फील्ड कैपेसिटी टू विल्टिंग पॉइंट, इसे हम बोलते हैं अवेलेबल मॉइस्चर। अवेलेबल मॉइस्चर, ठीक है, मतलब इतना मॉइस्चर अवेलेबल है प्लांट के लिए यूज करने के लिए फॉर इट्स ग्रोथ। दिस इज द डेप्थ ऑफ वाटर, दिस इज द डेप्थ ऑफ वाटर फ्रॉम फील्ड कैपेसिटी टू विल्टिंग पॉइंट, दिस इज द डेप्थ ऑफ वाटर that can be utilized by the plant for its growth, ठीक है, क्लियर है जी सबको, ठीक है। हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, हमारे पास दो डेप्थ्स आ गई, वो कौन कौन सी, एक आ गई फील्ड कैपेसिटी, दूसरी आ गई विल्टिंग पॉइंट। फील्ड कैपेसिटी क्या है, जब आपका ग्रेविटी वाटर इज रिमूव्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसके बाद जो फील्ड में आपकी जो वाटर बचता है, जो डेप्थ ऑफ वाटर आपकी बचती है, दैट इज योर फील्ड कैपेसिटी। हम क्या बोलते हैं कि नाउ योर फील्ड हैज रीच्ड, योर सॉइल हैज रीच्ड इट्स फील्ड कैपेसिटी, मतलब दिस मच ऑफ वाटर कैन बी रिटेन्ड बाय द सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी अगेंस्ट जो आपकी सॉइल बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स होगी, कौन सी फोर्स लग रही होगी सॉइल और वाटर के बीच में, तो बता सकते हैं मेरे को, जिसके अगेंस्ट वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वो सॉइल को वाटर को होल्ड करके रखेगी, कोई बता सकता है, एडहेजन होगी ना, कोहेजन थोड़ी होगी। अब आपकी सॉइल और वाटर के बीच में है, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, तो दैट मींस एडहेजन, ठीक है ना, तो बिकॉज ऑफ एडहेजन आपका जो वाटर है इट इज हेल्ड अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है ना। तो अब जो आपका ये वाटर होगा इट कैन बी यूटिलाइज बाय द प्लांट फॉर इट्स ग्रोथ, क्लियर है सबको ये चीज, ठीक है। तो उसके बाद जब वो यूज करता रहेगा थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपका जो वाटर जितना उसको यूज करना था या यूज करना नहीं था, मतलब जितना वो यूज कर रहा था, फिर क्या होगा, धीरे धीरे सॉइल से वाटर खत्म होना स्टार्ट होगा। तो जब वो विल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा, जब आपका डेप्थ ऑफ वाटर विल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगी, अब जो आपका प्लांट है इट कैनॉट यूटिलाइज वाटर बियॉन्ड विल्टिंग पॉइंट। तो अब हमें इरीगेशन करने की जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, इरीगेशन करेंगे, वापस वाटर को फील्ड कैपेसिटी पे लाएंगे, वापस वाटर को क्या करेंगे फील्ड कैपेसिटी पे लाएंगे, वो धीरे धीरे फिर यूज करेगा, फिर विल्टिंग पॉइंट, फिर इरीगेशन करो, ठीक है, क्लियर है चीज सबको। फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट का मतलब समझ आया सबको कि फील्ड कैपेसिटी क्या है और विल्टिंग पॉइंट क्या, ठीक है। चलो अब हम इनके अगेंस्ट इनके कॉरेस्पॉन्डिंग डेप्थ ऑफ वाटर निकालते हैं, ठीक है। हमने पढ़ तो लिया कि हाँ भाई इतने ये विल्टिंग पॉइंट है, ये फील्ड कैपेसिटी है, पर अब हमें इसकी किस डेप्थ तक आपकी फील्ड कैपेसिटी है या किस डेप्थ तक आपकी विल्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना, और कितना डेप्थ ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर है, वो कैसे निकालना है, तो वो हम देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं डेप्थ ऑफ वाटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, इसको ऊपर ही लिखते हैं इसके यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट इज डेप्थ ऑफ वाटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू, ठीक है, ध्यान रखना इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं अभी हम करेंगे, ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से करना। कॉरेस्पॉन्डिंग टू फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, एफ सी से डिनोट करते हैं हम इसको, ठीक है, इसका सिंबल लिख लो एफ और इसकी ये सबस्क्रिप्ट में सी, ठीक है, फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, तो कैसे एक्सप्रेशन क्या आएगा इसका, दैट इज डी डब्ल्यू डेप्थ ऑफ वाटर इज इक्वल टू गामा डी, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल या डेंसिटी ऑफ सॉइल अपॉन डेंसिटी गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू डी वेयर डी इज डेप्थ ऑफ रूट जोन इनटू फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इनटू डी इनटू एफ सी, वेयर गामा डी और गामा डब्ल्यू तो आपको समझ गया, ठीक है ना, वो आप यहाँ पे यूनिट वेट भी यूज कर सकते हो और आप यहाँ पे डेंसिटी भी यूज कर सकते हो,
ठीक है, एंड डी इज योर नथिंग बट डेप्थ ऑफ रूट जोन, डेप्थ ऑफ रूट जोन, ठीक है. तो डी इज नथिंग बट डेप्थ ऑफ रूट जोन. डेप्थ ऑफ रूट जोन मतलब, डेप्थ ऑफ रूट जोन मतलब क्या मतलब होगा डेप्थ ऑफ रूट जोन का? ये बेसिकली वो डेप्थ है, ये बेसिकली वो जोन है जहां से जिस टोटल डेप्थ में से, टोटल एरिया में से जो आपके प्लांट्स की जो रूट्स हैं, इट कैन अब्सॉर्ब वाटर, जो वहां से वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं. किस डेप्थ तक आपकी जो सॉइल से जो आपकी प्लांट की या क्रॉप की जो रूट्स हैं वो किस डेप्थ से वाटर अब्सॉर्ब कर सकती हैं, दैट इज योर डेप्थ ऑफ रूट जोन, दैट इज योर डेप्थ ऑफ रूट जोन. ठीक है, तो ये आ गया डेप्थ ऑफ रूट जोन कॉरेस्पॉन्डिंग टू फील्ड कैपेसिटी. वैसे ही सेम हम सेकेंड निकालेंगे, डेप्थ ऑफ वाटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू विल्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो अब हम फाइ के कॉरेस्पॉन्डिंग, डेप्थ ऑफ वाटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू विल्टिंग पॉइंट फाइ, तो ये क्या आ जाएगा, dW डेप्थ ऑफ वाटर इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, गामा d बाय गामा w इंटू डी, बस अब फील्ड कैपेसिटी की जगह आ जाएगा आपका विल्टिंग पॉइंट फाइ. ठीक है, विल्टिंग पॉइंट या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं हम इसे. ठीक है, तो dW इज इक्वल टू गामा d अपॉन गामा w इंटू डी इंटू फाइ. ठीक है, d इंटू फाइ. ठीक है, क्लियर है चीज सबको, क्लियर है चीज. ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू फाइ आ गया. ठीक है, अब हमारे पास डेप्थ ऑफ विल्टिंग पॉइंट भी आ गई और डेप्थ ऑफ क्या आ गया, विल्टिंग पॉइंट भी आ गया, डेप्थ ऑफ फील्ड कैपेसिटी भी आ गई. तो अगर मुझे डेप्थ ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर निकालना हो, क्या मैं निकाल सकता हूँ डेप्थ ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर? जी सर. मेरे पास विल्टिंग पॉइंट, मेरे पास फील्ड कैपेसिटी की डेप्थ भी आ गई और विल्टिंग पॉइंट की भी आ गई. तो अब अगर मुझे हाँ एग्जैक्टली, दोनों को माइनस कर लेंगे. ठीक है ना, तो थर्ड इज डेप्थ ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर, डेप्थ ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर. ठीक है, क्या आ जाएगा, dW इज इक्वल टू गामा d अपॉन गामा w इंटू d इंटू fc माइनस फाइव. ठीक है, क्लियर है चीज सबको? ठीक है, क्लियर है चीज. ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन लिखो सर, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बोलेंगे? बोलो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बोलेंगे? फिर डेप्थ आपकी इंक्रीज हो जाएगी ना बेसिकली. आप फिर विल्टिंग पॉइंट के बियॉन्ड चले जाओगे, अनअवेलेबल. विल्टिंग पॉइंट के बियॉन्ड नहीं, वो अवेलेबल ही है लेकिन दैट इज बियॉन्ड विल्टिंग पॉइंट. ठीक है ना, वो हम वाटर यूटिलाइज ही नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना, अब तो डेप्थ आपकी इंक्रीज होगी ना, अब विल्टिंग पॉइंट के बियॉन्ड चले गए हम. जो प्लांट है इट कैन ओनली यूटिलाइज वाटर अप टू विल्टिंग पॉइंट, उसके बाद भी पानी होता है ऐसी बात नहीं है. वाटर इज अवेलेबल बट दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय द प्लांट. ठीक है ना, चलो एक क्वेश्चन लिखो. The following data is related to the healthy growth of a crop. The following data is related to the healthy growth of a crop. ठीक है, first लिखो. ठीक है, field capacity is equal to 30%. ठीक है, second, permanent wilting point phi is equal to 11%.
थर्ड लिखो, डेंसिटी ऑफ सॉइल, डेंसिटी ऑफ सॉइल इज इक्वल टू 1300 kg पर मीटर क्यूब, 1300 kg पर मीटर क्यूब. फोर्थ, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रूट जोन, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रूट जोन इज इक्वल टू 700 mm, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रूट जोन इज इक्वल टू 700 mm. स्टॉप. कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ रूट जोन, सॉरी कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर. ठीक है, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर. ठीक है, ऑप्शन लिखो. ऑप्शन ए 173 meter, 173 mm, सॉरी 173 mm. ऑप्शन बी 164 mm, 164 mm. ऑप्शन सी 179 mm, ठीक है, और ऑप्शन डी 182 mm. कैलकुलेशन चेक करो अपनी, 172.9 आएगा. 172.9 आता है. सिंपल है यार, क्या है ना, 172.9 आता है. ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है आपकी यार. ठीक है, हो गया सबका. क्या करेंगे, सिंपल गामा डी आपको दिया हुआ है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल ले लो. ठीक है, ये आपको डेंसिटी, हम डेंसिटी के टर्म्स में ही लेंगे. ठीक है, ये 1300 वाटर की कितनी आ जाएगी डेंसिटी, 1000 वाटर की, 1000 आ जाएगी इनटू डी कितना है आपका 700 mm. तो यहाँ 700 mm ले लो, 700 इनटू एफ सी आ गया आपका 30%. 30% माइनस कितना आ गया, 11%. 11%, तो ये आ गया 1300 अपॉन 1000 इनटू 700. अब 30 माइनस 11 कितना हो गया, 19%. तो 19/100. ठीक है, अब देख लो जीरो जीरो कितने कटते हैं, ये दो जीरो यहाँ से कटे, दो जीरो यहाँ कटे, ये दो जीरो इधर कटे, ये दो जीरो इधर कटे, तो क्या बचा, 13 × 7 × 19. तो 13 7 देख लो कितना हो गया, 7 3 21 2 कैरी, 91 91 × 19 है, तो × 20 कर लो, 20 करके एक बार 19 माइनस कर लेना. ठीक है ना, तो ये आता है आपका अप्रोक्सीमेटली
अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट ये आएगा 1729/10, तो आंसर आ जाएगा आपका 172.9% नहीं mm, 172.9 mm, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली क्या आपका 173 mm आंसर आ गया, ठीक है ना। सिंपल कैलकुलेशन थी, ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसका हम थोड़ा सा आगे एक और हायर वर्जन हम करेंगे इसके बाद, ठीक है। चलो ये समझ के ये क्या निकाल लिया, मतलब आपके पास 172.9 mm टोटल डेप्थ ऑफ व्हाट इज दिस, दिस इज योर अवेलेबल मॉइस्चर, ठीक है। अब ये मत समझना दिस इज फ्रॉम ग्राउंड, ये सिर्फ आपकी क्या फील्ड कैपेसिटी से लेके विल्टिंग पॉइंट के बीच की जो डेप्थ है दैट इज 172.9, 173 mm, मतलब ये 173 mm क्या आ गया, दिस इज योर अवेलेबल मॉइस्चर, मतलब इतना प्लांट, इतना वाटर जो आपका प्लांट यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है ना। अब दिक्कत क्या होती है, दिक्कत क्या होती है, अब प्लांट जो है वो इतना वाटर भी यूज नहीं करता, ठीक है। जो प्लांट है दैट इट डज नॉट यूटिलाइज दिस मच ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो प्लांट बेसिकली क्या करता है, लेट डेट सपोज दिस इज योर, ये एफ सी टू फाइव क्या आ जाएगा आपका, ये एफ सी से लेके फाइव तक क्या आ जाएगा आपका, दिस इज योर अवेलेबल मॉइस्चर, दिस इज योर अवेलेबल, दिस इज योर अवेलेबल मॉइस्चर एफ सी से लेके फाइव तक, राइट राइट क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज नोट करो, एक चीज नोट करो कि एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपका ग्रोथ रेट और एक्स एक्सिस पे आ गया आपका मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है ना। तो किसी एक पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट पे, किसी एक पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट पे आपका क्या हो रहा है, ग्रोथ रेट क्या हो रही है आपकी, मैक्सिमम हो रही है, ग्रोथ रेट क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। तो इस मॉइस्चर कंटेंट को, जिस मॉइस्चर कंटेंट पे आपकी ग्रोथ रेट मैक्सिमम हो रही है, उस मॉइस्चर कंटेंट को हम बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर, मतलब इसको हम बोलेंगे एम ओ, एम ओ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, मतलब ये वो मॉइस्चर कंटेंट है, ये वो मॉइस्चर कंटेंट है जिसपे आपका ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, जिसपे आपका ग्रोथ रेट मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, क्या ये डायग्राम मैंने सही बनाई है, इसमें एक गलती है डायग्राम में, अब कोई बता सकता है मेरे को क्या गलती है आपकी, ध्यान से देखो जरा, इसमें एक मिस्टेक है इस डायग्राम में, एक्स एक्सिस को ध्यान से देखो,
सर वो और फिर बताओ। मॉइस्चर मॉइस्चर लिमिट एक्सीड कर रहा है? नहीं, मॉइस्चर लिमिट एक्सीड नहीं कर रहा, ठीक, मॉइस्चर लिमिट ठीक है। उसके अलावा कोई मिस्टेक है? हम जैसे जैसे इधर से ओरिजिन से, दिस इज योर ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से जब हम राइट की तरफ जाएंगे, आपका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। जब हम ओरिजिन से राइट की तरफ जाए, ऑब्वियसली बात है, बढ़ना है। हमारा ये एक्स एक्सिस है, हमारी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी सीक्वेंस में चलेंगी। हाँ, विल्टिंग पॉइंट पहले आएगा और फील्ड कैपेसिटी बाद में आएगी। यही यही गलती है इधर। यहाँ पहले आपकी क्या है, दिस इज योर विल्टिंग पॉइंट एंड दिस इज योर फील्ड कैपेसिटी, दिस इज योर फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, क्लियर है चीज? ये गलती थी इस डायग्राम में, ठीक है। तो फाई पहले आएगा, फिर आपकी क्या आएगी, फील्ड कैपेसिटी आएगी, ठीक है। तो एक चीज देखो, अब ध्यान से देखो, अब इस डायग्राम को समझो, ठीक है। क्या कहता है कि जैसे जैसे हमारी फील्ड कैपेसिटी, लेट सपोज आपका, अभी आप कहां पे फील्ड कैपेसिटी पे हो, दिस इज योर फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, इसको मैं रेड कलर से नोट करता हूँ, दिस इज योर फील्ड कैपेसिटी। अब क्या होगा, प्लांट क्या करेगा, वाटर यूटिलाइज करना स्टार्ट करेगा, राइट। तो आपकी जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो आपका मॉइस्चर कंटेंट है, वो क्या करेगा, फॉल करना स्टार्ट करेगा, मॉइस्चर कंटेंट आपका फॉल करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट फॉल कर रहा है, आपका ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ग्रोथ रेट आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट फॉल कर रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका ग्रोथ रेट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब क्या करता है, एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट आता है जहां पे आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है, यहाँ सॉरी, जहां पे आपका जो ग्रोथ रेट है, यहाँ पे क्या ग्रोथ रेट मैक्सिमम, दिस इज योर मैक्सिमम, दिस इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ रेट, और इस पॉइंट के जो कॉरेस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट के जो कॉरेस्पॉन्डिंग आपका मॉइस्चर कंटेंट होगा, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, MO, दिस इज योर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। अब अगर देखो, अभी भी दिस इज विद इन अवेलेबल मॉइस्चर, ये जो ये लिमिट है, ये अभी भी किसकी है, दिस इज द लिमिट ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर। अगर मेरा वाटर कंटेंट, अगर मेरा मॉइस्चर कंटेंट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से नीचे फॉल भी कर जाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास दिस इज द लिमिट ऑफ, अभी भी प्लांट आपका जो वाटर यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन लेकिन जब आपका मॉइस्चर कंटेंट MO से नीचे फॉल कर रहा है, MO से नीचे फॉल कर रहा है, आपका ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, ग्रोथ रेट इज नेगेटिव, ग्रोथ रेट फॉल कर रहा है, समझ गए, आपका जो ग्रोथ रेट है वो क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, राइट। तो अब हमारी कोशिश क्या रहती है, हमारी कोशिश क्या रहती है, हमारी कोशिश रहती है कि भाई हमारा जो ग्रोथ रेट रहे वो हमेशा क्या रहे, पॉजिटिव रहे, आपका ग्रोथ रेट हमेशा पॉजिटिव रहे। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको कभी भी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से नीचे फॉल नहीं करने देते। मतलब जैसे ही आपका मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम फील्ड कैपेसिटी से MO तक पहुंचता है, जैसे ही आपका मॉइस्चर कंटेंट कम हो के फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट तक पहुंचता है, हम क्या करते हैं, इरिगेशन कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं, इरिगेशन कर देते हैं, ठीक है ना। बेसिकली देखो, अब ये फंडा पता कैसे लगता है हमें, ठीक है। अब अगर मुझे डेप्थ ऑफ वाटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू MO निकालना हो, डेप्थ ऑफ वाटर, जब हमें ये डेप्थ ऑफ वाटर अप टू MO निकालना हो, कैसे निकालेंगे, पहले हम MO का निकालते हैं, गामा डी इंटू MO, ये क्या आ गया, डेप्थ ऑफ वाटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है ना। तो FC से लेके फाई तक है आपका अवेलेबल मॉइस्चर, बट FC टू MO, मतलब ये वाला FC टू MO, जो ये वाला वाटर कंटेंट है, इसे हम बोलते हैं रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, REA DILY, रेडिली अवेलेबल, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, रेडिली अवेलेबल मतलब जो प्लांट्स इजीली यूज कर सके, ठीक है ना, रेडिली अवेलेबल
मॉइस्चर। तो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मुझे डेप्थ निकालनी हो, कैसे निकालूंगा? डेप्थ ऑफ वाटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू अवेलेबल रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, या डेप्थ ऑफ रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर क्या होगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू क्या होगा? एफ सी माइनस एम ओ राइट। ये क्या आ गया? दिस इज द डेप्थ ऑफ रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। मतलब ये जो ये मॉइस्चर है, जो ये डेप्थ ऑफ मॉइस्चर है, इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द क्रॉप्स। ठीक है, अब क्या होता है हर एक क्रॉप का अपना एक कंजम्पटिव यूज होता है। कंजम्पटिव यूज समझते हैं सब क्या होता है? व्हाट इज कंजम्पटिव यूज। ठीक है, अब क्या होता है बेसिकली हर एक क्रॉप का अपना एक बेसिकली क्या होता है, दिस इज कॉल्ड कंजम्पटिव यूज, जिसको हम डिनोट करते हैं सी यू से। कंजम्पटिव यूज होता है बेसिकली प्लांट या क्रॉप किस रेट से वाटर अब्सॉर्ब कर रहा है, वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज कंजम्पटिव यूज। लेट सपोज एक क्रॉप का कंजम्पटिव यूज है 2 सेंटीमीटर पर डे, मतलब वो 2 सेंटीमीटर वाटर एक्सट्रैक्ट करता है सॉइल से एक दिन में। ठीक है, लेट सपोज किसी भी क्रॉप का कंजम्पटिव यूज आ गया आपका 2 सेंटीमीटर पर डे, मतलब एक दिन में वो क्या कर रहा है, 2 सेंटीमीटर वाटर क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है सॉइल से। एंड लेट सपोज आपका जो रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर है, इसकी जो डेप्थ है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट सपोज योर डेप्थ ऑफ रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर इज 10 सेंटीमीटर एंड कंजम्पटिव यूज इज 2 सेंटीमीटर, तो उसको कितने दिन लगेंगे ये 10 सेंटीमीटर वाटर एक्सट्रैक्ट करने में? हाउ मेनी डेज विल इट टेक? 5 दिन। सीधी सी बात है, अगर कंजम्पटिव ये 2 सेंटीमीटर पर डे है और आपका डेप्थ ऑफ रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर 10 सेंटीमीटर है, तो उसको कितने दिन लगेंगे ये रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने में? वो लगेंगे उसको 10 / 2, 5 days। तो that means हमें हर 5 दिन के बाद हमें क्या करनी है, इरिगेशन करनी है। मतलब हमें पांच दिन में हमारी जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो फील्ड कैपेसिटी से कहां तक फॉल कर जाएगा? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक। और आपको पता है हमें ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से नीचे फॉल नहीं करने देना है। तो जैसे ही आपका मॉइस्चर कंटेंट एमओ तक पहुंचता, आपने क्या कर देना है, इरिगेशन कर देनी है। समझ गए? क्लियर है ये चीज? राइट, तो कंजम्पटिव यूज क्या आ गया? व्हाट इज कंजम्पटिव यूज? रेट ऑफ इसका माइक है, ये माइक बंद कर लो, है जिसका भी है, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉइल वाटर। ठीक है, और यूजुअली इसके यूनिट्स होते हैं, इसके जो यूनिट्स हैं दैट आर यूनिट्स हैं इसके एमएम पर डे और सेंटीमीटर पर डे, एमएम पर डे और सेंटीमीटर पर डे। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, मतलब कितनी कितनी देर बाद आपने इरिगेशन करनी है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। सर, अगर हम फील्ड कैपेसिटी से ज्यादा ही हमेशा मॉइस्चर कंटेंट रखे मीन पानी रखे, तो उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा ग्रोथ रेट पे? ग्रोथ रेट उसमें बेसिकली क्या होगा ना, आपकी देखो जब ज्यादा मॉइस्चर होता है ना, जब सॉइल के अंदर ज्यादा पानी होता है, तब क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाती है। समझ रहे हो? प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन, विल्टिंग पॉइंट तो आना ही आना है। दिक्कत क्या आती है उसमें? दिक्कत क्या आती है आपकी ऐसी सॉइल को जिसके अंदर आपका मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो, उसे हम बोलते हैं इल एरेटेड सॉइल, ऐसी सॉइल को हम बोलते हैं आपकी आई डबल
एरेटेड सॉइल. अब प्लांट्स को ग्रोथ के साथ साथ वाटर के साथ ऑक्सीजन भी चाहिए होती, एयर भी चाहिए होती. जब आपका मॉइस्चर इल एरेटेड सॉइल, ठीक है ना, अब उसको ग्रोथ के लिए वाटर के साथ साथ उसको ऑक्सीजन एयर भी चाहिए होती है. जब आपका मॉइस्चर कंटेंट आपका ज्यादा हो जाता है, जब आपकी सॉइल फुली सैचुरेट हो जाती है, उस केस में क्या होता है, आपका जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो कम हो जाती है. तो ये भी क्या करती है, इट एडवर्सली अफेक्ट्स द ग्रोथ रेट, आपकी ग्रोथ रेट कम हो जाती है. समझ गए, जब आपकी फील्ड, जब आपका मॉइस्चर कंटेंट फील्ड के पास ज्यादा हो जाए, तब भी क्या होता है, आपका ग्रोथ रेट कम हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि फिर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है. ठीक है, क्लियर सबको ये, ठीक है. तो नेक्स्ट आता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं एफ से. अब हमने अभी निकाला हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, क्या निकाला, 5 डेज निकाला हमने. कैसे निकाला हमने, कि भाई अगर डेप्थ ऑफ जो अवेलेबल मॉइस्चर था, या डेप्थ ऑफ रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर 10 सेंटीमीटर था, और कंजम्पटिव यूज अगर 2 सेंटीमीटर पर डे था, तो हमारी इरिगेशन करने की बारी कितने दिन बाद आएगी, 5 दिन बाद. तो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज नथिंग बट इट इज डेप्थ ऑफ रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, DW. It is DW upon CU, ठीक है, क्या हो गया आपका frequency of irrigation, ठीक है. और units क्या होंगे आपका, depth of water क्या आ गया, ये आ गया let's suppose it is in centimeters, और आपका जो consumptive use है वो आ गया centimeter per डे. तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, डे चला जाएगा ऊपर. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन के जो यूनिट्स आ जाएंगे, इसके जो यूनिट्स आ जाएंगे, ये क्या आ जाएंगे आपके, डेज, टाइम इनवर्स, ठीक है, ये आ गया इनवर्स नहीं, टाइम इन टाइम आ गया आपके डेज, ठीक है, क्लियर ये चीज, ठीक है. ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, कितनी डेप्थ ऑफ वाटर है और किस रेट से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो वहां से क्या आ जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, ठीक है. एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन लिखो. आफ्टर हाउ मेनी डेज विल यू रेकमेंड supplying irrigation water, after how many days will you recommend supplying irrigation water to a crop having 0.8 meter root zone depth, having 0.8 meter root zone depth, comma, field capacity of 30%, wilting point of 15%, and density of soil. Equal to 1.5 gram per cc, and density of soil equal to 1.5 gram per cc. Full stop. The consumptive use of crop is 5 mm per day. The consumptive use of crop is
5 mm per day and only 60% of the available moisture and only 60% of available moisture is permitted to be utilized and only 60% of available moisture is permitted to be utilized. ठीक है, ऑप्शन लिखो. ऑप्शन ए 9 days, ऑप्शन बी 15 days, ऑप्शन सी 21 days या ऑप्शन डी 40 days. ठीक है, करो जरा सॉल्व. सर सी सी ऑप्शन इसका 21 days. हाँ 21 days आएगा आंसर का. ठीक है, बाकी तो ट्राई देखो. इसमें बस एक ही छोटी सी ट्रिक लगनी है, दैट इज योर जो अवेलेबल मॉइस्चर है उसका हमने क्या करना 60% लेना है. ठीक है ना, कह रहा था कंजम्पटिव यूज द एंड ओनली 60% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर इज परमिटेड टू बी अवेल्ड. सो दैट मींस हमारा जो हमारा DW है, दैट इज DW. DW इज नथिंग बट दिस इज गामा डी माइक रिस्पॉन्स आ रही है बड़ी. गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इन डी इन टू एफ सी माइनस
चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बस यही ट्रिक थी। उसने क्या बोला था कि 60% जो आपका अवेलेबल मॉइस्चर दैट इज परमिटेड टू बी अवेल्ड, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या करना है, जो हमारा अवेलेबल मॉइस्चर आएगा उसका हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, 60% लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ से सॉल्व करो आप। अब हमें डेंसिटी ऑफ सॉइल कितनी दी है, 1.5 ग्राम्स पर सीसी, 1.5। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होगी, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर इन ग्राम पर सीसी, कितनी होगी, 1। डेंसिटी ऑफ वाटर 1, बिल्कुल। गामा डब्ल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको यूनिट डेंसिटी ऑफ वाटर पता है दैट इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब, बट इन ग्राम्स पर सीसी इट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो अब आपका डी कितना आ गया, 0.8 meters, meters में लेना meters में कर लो, या डायरेक्टली इसको आप mm में भी कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि consumptive use आपको mm में दिया है, तो इसको आप ले सकते हो 0.8 meter की जगह 800 mm ले सकते हो, 800 mm into FC कितना दिया आपको, 30%, FC is 30% minus 15% into 60% 0.60। इसको सॉल्व करो, यहां से आपका DW आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ, हाँ सर, गामा डब्ल्यू वन, गामा डब्ल्यू वन क्यों लिया, ठीक है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे आप आइदर यूनिट वेट ले लो या डेंसिटी ले लो, ठीक है ना। हम डेंसिटी की बात करें, अगर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, होती है 1000 kg per meter cube, 1000 kg per meter cube, बट इट इज इन केजी पर मीटर क्यूब, मतलब आपके एसआई यूनिट्स में। तो सेम डेंसिटी को अगर हमें सीजीएस यूनिट्स में कन्वर्ट करना हो, अगर इसको हमने CGS यूनिट्स में कन्वर्ट करना हो, तो वो कितने आएगी, वो आ जाती है आपकी 1 gram per cc, वो आ जाएगी आपकी 1 gram per cc, ठीक है ना। इसीलिए मैंने वहां पे 1 gram, क्योंकि आपको जो सॉइल की भी डेंसिटी है इट इज गिवन एज 1.5 ग्राम्स पर सीसी, इसलिए वाटर की भी हमने क्या ले ली, इन यूनिट्स ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वो आ जाएगी आपकी 1 gram per cc, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करो, यहाँ से DW आ जाएगा, कंजम्पटिव यूज आपको ऑलरेडी गिवन है, Cu इज इक्वल टू 5 mm per day, 5 mm per day, तो यहाँ से आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज इक्वल टू DW अपॉन CU आ जाएगा, वो आएगा अप्रोक्सीमेटली आपका 21 डेज, ठीक है, वो आ जाएगा आपका 21 डेज, ठीक है, क्लियर है सबको ये, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन लिखो। अ सर्टन क्रॉप इज ग्रोन सर आपकी आवाज कट रही है, ठीक है, असर्टन, मेरी आवाज कट रही है, हाँ जी सर आ रही है, लिखो। A certain crop is grown in an area of 3000 hectares, which is fed by a
which is fed by a canal system, which is fed by a canal system, which is fed by a canal system. Full stop. Full stop. Next, likho. The data pertaining to irrigation. The data pertaining to irrigation is as follows. ठीक है. First लिखो. Field capacity is equal to 26%. Field capacity, FC is equal to 26%. Optimum moisture content, MO. Optimum moisture content is equal to 12%. Optimum moisture content is equal to 12%. Wilting point is equal to 10%. Next लिखो. Depth of root zone is equal to 80 centimeter. And last is specific gravity is equal to 1.4. specific gravity of soil is equal to 1.4. ठीक है, full stop. If the frequency of irrigation is 10 days, if the frequency of irrigation is 10 days, full stop, find out the daily cumulative use. If the frequency of irrigation is 10 days, full stop, find out the daily consumptive use. ठीक है, option A, 1.57 centimeter per day. Option B, 1.62 centimeter per day. Option C, 1.67 centimeter per day. Yeah, option D, 1.51 centimeter per day. Option D, 1.51 centimeter per day. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना. क्वेश्चन रिपीट करो स्टार्टिंग से. ठीक है, बोलता है अ सर्टन क्रॉप इज ग्रोन इन एन एरिया ऑफ 3000 हेक्टर विच इज फेड बाय अ कनाल सिस्टम. फुल स्टॉप. The data pertaining to irrigation is as follows. ठीक है, फर्स्ट लिखो. फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू 26%. ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज इक्वल टू 12%. Wilting point equal to 10%. Depth of root zone is equal to 80 centimeter. Specific gravity is equal to 1.4. Full stop. If the frequency of irrigation is 10 days. Full stop. Find out the daily consumptive use. ठीक है, ऑप्शन लिख लिए होंगे आपने. ठीक है, कर दो रहा. तो ऑप्शन ए आंसर है. 1.57 सेंटीमीटर पर डे. वन पॉइंट फाइव सेवन सेंटीमीटर पर डे.
सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सब कुछ गिवन था आपको, ठीक है ना, सब कुछ गिवन था, सिर्फ एक छोटी सी वो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी यूनिट वेट देने के बजाय उसने क्या दे दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी, ठीक है ना, बेसिकली डी डब्ल्यू इज नथिंग बट ये क्या गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू एफ सी माइनस एम ओ, ठीक है, फील्ड कैपेसिटी, विल्टिंग पॉइंट का कोई काम नहीं था, वो तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी थी, ठीक है, विल्टिंग पॉइंट का कोई काम नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि हम कंजम्पटिव यूज की बात कर रहे हैं, तो हम डेप्थ अप टू कहां तक लेंगे, सिर्फ मॉइस्चर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक, ठीक है ना, तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर की, ठीक है ना, तो हमारा एफ सी माइनस एम ओ आएगा, फाई का कोई काम नहीं था, और ये गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इट इज नथिंग बट योर स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, ये आपका क्या होता है, इट इज नथिंग बट योर स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये जी के बराबर होता है, तो डायरेक्टली हमने सिर्फ इसी की वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है ना, तो वो आ जाना था आपका 1.4 into 80 into 26% माइनस 12%, ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं, आपका DW आ जाना था, आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन दे रखी है 10 days, तो यहाँ से हमें एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन भी दे रखी है, DW हमने कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ से हमारा क्या आना था, कंजम्पटिव यूज, एंड दैट कम्स आउट टू बी 1.57 सेंटीमीटर पर डे, दैट कम्स आउट टू बी 1.57 सेंटीमीटर पर डे, ठीक है, क्लियर है सबको, सबने कर लिया ये, ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर बेस पीरियड एंड क्रॉप पीरियड, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ, नेक्स्ट इज योर base period and crop period, ठीक है, बेस पीरियड एंड क्रॉप पीरियड, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपके क्रॉप पीरियड की, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट इज क्रॉप पीरियड, फर्स्ट बात करते हैं क्रॉप पीरियड, ठीक है, तो कोई बता सकता है मेरे को व्हाट इज क्रॉप पीरियड, टाइम फ्रॉम सोइंग टू क्रॉप पीरियड, हाँ एग्जैक्टली, देखो क्रॉप पीरियड मतलब नाम से ही समझ आ रहा है, क्रॉप का क्या टाइमिंग है, क्रॉप का पीरियड मतलब कब आपने क्रॉप लगाया और कब आपने क्रॉप काटा, ठीक है, दैट इज योर क्रॉप पीरियड, मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, ठीक है ना, कब आपने क्रॉप लगाया और कब आपने क्रॉप काटा, उसके बीच की जो ड्यूरेशन है दैट इज नथिंग बट क्रॉप पीरियड, ठीक है, तो व्हाट इज क्रॉप पीरियड, इट इज द टाइम इंटरवल time interval between sowing and harvesting of crop, harvesting of crop, ठीक है, ये आ गया आपका crop period, ठीक है, second इसी से मिलती जुलती एक term जिसे हम बोलते हैं base period, ठीक है, अब base period क्या होता है, बताओ मेरे को, what is base period,
व्हाट इज बेस पीरियड टाइम वो फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट हां मतलब देखो हां इट इज द फर्स्ट सोइंग करने के बाद जो पहली वाटरिंग करते हैं और हार्वेस्टिंग करने से पहले जो लास्ट वाटरिंग करते हैं उसके बीच का जो पीरियड है दैट इज योर बेस पीरियड ठीक है ना दैट इज योर बेस पीरियड इट इज नथिंग बट टाइम इंटरवल बिटवीन टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग एंड लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग बिफोर हार्वेस्टिंग ठीक है हार्वेस्टिंग से पहले जो लास्ट वाटरिंग है और जो सोइंग के बाद जो पहली वाटरिंग है उसके बीच का जो इंटरवल है दैट इज योर क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड ठीक है अब ये बताओ इनमें से कौन सा पीरियड बड़ा होगा ज्यादा ड्यूरेशन किसकी होगी क्रॉप पीरियड की या बेस पीरियड की किसकी क्रॉप पीरियड ज्यादा होगा एग्जैक्टली जनरली जो आपका क्रॉप पीरियड होता है ठीक है जनरली योर क्रॉप पीरियड जो आपका क्रॉप पीरियड है क्रॉप पीरियड इज ग्रेटर देन योर बेस पीरियड ठीक है जनरली योर क्रॉप पीरियड इज ग्रेटर देन बेस पीरियड लेकिन लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दे आर कंसीडर्ड टू बी सेम ठीक है ना जनरली योर क्रॉप पीरियड इज ग्रेटर देन योर बेस पीरियड बट हम जो कैलकुलेशंस करते हैं हम जो क्वेश्चंस करते हैं उनमें हम इन दोनों के लेते हैं सेम अज्यूम करके चलते हैं ठीक है ना बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दे आर कंसीडर्ड टू बी सेम दे आर कंसीडर्ड टू बी सेम ठीक है क्लियर है चीज ठीक है ये आ गया आपका बेस पीरियड एंड क्रॉप पीरियड नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूटी एंड डेल्टा ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट इज योर ड्यूटी डी यू टी वाई इसको हम नोट करते हैं कैपिटल डी से इसको हम भी नोट करते हैं डी से ठीक है तो बता सकते हैं मेरे को व्हाट इज ड्यूटी हाँ व्हाट इज ड्यूटी टोटल सम सारे पानी का जब तक वो नहीं 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 यार ऐसे नॉर्मल भाषा में समझाओ मेरे को ऐसे सिंपल यार एरिया ऑफ लैंड पानी का जो इरिगेट किया जाता है मतलब जब तक ड्यूटी होती एरिया ऑफ लैंड दैट हैज बीन इरिगेटेड सर नहीं 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 ये भी नहीं है सर कितने हेक्टेयर लैंड हम कंप्लीट ग्रोथ तक इरिगेट कर ड्यूटी मतलब ड्यूटी की हम बात करें इन टर्म्स ऑफ वाटर में मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ वाटर कितनी लैंड इरिगेट कर सकता है दैट इज इट्स ड्यूटी जैसे हमारी ड्यूटी क्या पढ़ना ठीक है हम एक घंटे में कितने चैप्टर कवर कर सकते हैं ये आ गई हमारी ड्यूटी ठीक है ना वैसे ही आपका वाटर आ गया कि 1 m³/s का डिस्चार्ज कितनी लैंड इरिगेट कर सकता है दैट इज इट्स ड्यूटी समझे ड्यूटी क्या है कि मतलब 1 unit of water मतलब 1 m³/s अगर डिस्चार्ज आपका चलता रहे ठीक है ना तो वो कितना एरिया इरिगेट कर सकता है दैट इज इट्स ड्यूटी समझ आया ठीक है ना द एरिया ड्यूटी इज नथिंग बट एरिया विच कैन बी इरिगेटेड बाय 1 m³/s ऑफ डिस्चार्ज थ्रू आउट द बेस पीरियड ऑफ द प्लांट ठीक है ना तो व्हाट इज ड्यूटी ड्यूटी इज area that can be irrigated
बाय 1 m³ पर सेकेंड ऑफ डिस्चार्ज। तो इसके यूनिट्स बता सकते हैं मुझे क्या होंगे इसके यूनिट्स? एरिया दैट कैन बी 1 m³ पर सेकेंड ऑफ डिस्चार्ज, इसके यूनिट्स क्या होंगे? यूनिट्स बता दें इसके, हेक्टर पर क्यूबिक। एग्जैक्टली, एरिया अपॉन डिस्चार्ज, ठीक है ना, एरिया अपॉन डिस्चार्ज। तो यूनिट्स आगे इसके हेक्टर पर क्यूमेक। क्यूमेक समझते हैं ना सारे क्या होता है? व्हाट इज क्यूमेक? क्यूमेक समझते हैं सब? यस सर। क्यूमेक इज 1 m³ पर सेकेंड। और क्यूसेक क्या होता है? व्हाट इज क्यूसेक? क्यूमेक तो समझते हैं, क्यूसेक क्या होता है? व्हाट इज क्यूसेक? देखो क्यूसेक हो गया इसी का ही, इसी का आपका आ गया आपका वन क्यूबिक फुट पर सेकेंड, ठीक है ना, पर सेकेंड, ठीक है ना। ये इसका FPS यूनिट आ गया डिस्चार्ज का, 1 feet cube पर सेकेंड, ठीक है। इसका FPS यूनिट में आकर डिस्चार्ज आ गया 1 feet cube पर सेकेंड, ठीक है। तो ध्यान रखना क्यूमेक इज 1 m³ पर सेकेंड और क्यूसेक इज 1 feet cube पर सेकेंड, ठीक है, 1 feet cube पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। तो ड्यूटी क्या होगी? एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड बाय 1 m³ पर सेकेंड ऑफ डिस्चार्ज व्हेन इट इज अवेलेबल थ्रू आउट द बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप, ठीक है ना। जब तक उसका बेस पीरियड, तब तक अगर हम पानी देते रहे एट द रेट ऑफ 1 m³ पर सेकेंड, वो कितना एरिया इरिगेट करेगी, दैट इज इट्स ड्यूटी, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं हम डेल्टा, ठीक है। ये दो बड़ी मिलती जुलती टर्म है जो आपकी जनरली यूज होती है क्रॉप्स में, ड्यूटी और डेल्टा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट इज योर डेल्टा, जिसको हम डिनोट करते हैं ये ट्रायंगल से, ठीक है, डेल्टा से, ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर डेल्टा, ठीक है। अब डेल्टा क्या होता है, अब कौन बताएगा? व्हाट इज डेल्टा? व्हाट इज डेल्टा? डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप फॉर द बेस, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, हाँ ठीक है ना, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर। हम जितनी बारी उसको इरिगेशन कर रहे हैं, जितनी बारी हम वाटर दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उस टोटल हर एक डेप्थ को अगर इंडिविजुअली ऐड करें तो थ्रू आउट इट्स बेस पीरियड टोटल डेप्थ ऑफ वाटर जो प्लांट यूज कर रहा है दैट इज डेल्टा, ठीक है ना। तो लेट सपोज अगर हम उसको एक वाटरिंग में, एक क्रॉप को एक वाटरिंग में अगर हम 2 cm पानी दे रहे हैं और ऐसी हमने 10 बारी ऐसी वाटरिंग कर रही है, तो डेल्टा कितना हो गया? 2 × 10 कितना हो गया? 20 cm, ठीक है ना। तो दैट इज 20 cm। तो डेल्टा इज नथिंग बट टोटल डेप्थ ऑफ वाटर डेप्थ ऑफ
water required by a crop. Water depth, water required by a crop. ठीक है, इसके यूनिट्स क्या होंगे? क्या यूनिट्स होंगे इसके? सेंटीमीटर. हाँ, सेंटीमीटर मीटर जो भी है आपके बेसिकली, आप हाँ जो भी आपके डायमेंशन के यूनिट्स है वो आ गया आपके डेल्टा. ठीक है ना, तो इसके यूनिट्स आ गए सेंटीमीटर, एमएम या मीटर. ठीक है, चलो अब हम थोड़े से इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनके बारे में बात करते हैं. ठीक है ना, जैसे ये आ गया आपका, लेट्स सपोज क्रॉप. ठीक है, ये आ गई उसकी ड्यूटी. ये आ गई उसकी ड्यूटी. ड्यूटी के यूनिट्स आ गया आपके, एक मिनट में होल्ड करना. काश भाई ड्यूटी नहीं गया आज, जाना चलो यार. आज काश भाई का डेल्टा. ठीक है, ड्यूटी चलो. ठीक है, ड्यूटी आ गई इसके यूनिट हेक्टर पर क्यूमेक. क्यूमेक हेक्टर पर. और संडे छुट्टी नहीं है क्या आज? आज तो छुट्टी ही होगी सबको. मंडे को होती है. तो फर्स्ट बात करते हैं, चलो फटाफट करते हैं खत्म. ठीक है, फर्स्ट आ गया आपका शुगर केन. ठीक है, सेकंड आ गया आपका राइस. थर्ड आ गया बीट. और फोर्थ इज फॉडर, FODB. अरे मेरा पेन कुछ काम नहीं कर रहा आज. FODDE आर फॉर्डर. ठीक है, तो शुगर केन की ड्यूटी की बात करें, दैट इज 730 हेक्टर्स पर क्यूमेक, 730. राइस की आ गई आपकी 775, 775. वीट की आ गई 1800. ठीक है, इसकी आ गई आपकी 1800 वीट की 1800. ठीक है, और फॉर्डर की आ गई आपकी 2000. फॉर्डर की आ गई 2000. ठीक है, और डेल्टा की बात करें शुगर केन इज 120. राइस इज ऑल्सो 120. ठीक है, 120. एक राइस 120, वीट आ गया आपका 30, एंड फॉर्डर इज 22.5
22.5 ठीक है। तो एक चीज देखो जरा, जैसे जैसे आपकी ड्यूटी इंक्रीज हो रही है, डेल्टा क्या हो रहा है, डेल्टा कैसे वेरी कर रहा है, इनवर्सली डेल्टा आपका डेल्टा कम होता जा रहा है, तो दैट मींस योर डेल्टा डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्यूटी, इनवर्स रिलेशन है इनका, एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 b by d ठीक है, b by d ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 b by d, वेयर ध्यान रखना जो डेल्टा है इट इज इन बाकी के यूनिट्स तो पता ही है आपको, बट डेल्टा इज इन मीटर्स ठीक है। बी क्या आ जाएगा, व्हाट इज बी, बी इज योर बेस पीरियड इन डेज, बेस पीरियड इन डेज ठीक है, इट इज योर बेस पीरियड इन डेज ठीक है। तो ये आ गया आपका डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डी, और अगर आपको डेल्टा सेंटीमीटर में चाहिए हो, अगर आपको डेल्टा सेंटीमीटर में चाहिए तो यूनिट क्या आपका ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 864 अगर आपको डेल्टा सेंटीमीटर 864 आ जाए एग्जैक्ट, फॉर डेल्टा इन सेंटीमीटर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 की जगह आ जाएगा 864 b by d 864 b by d ठीक है, क्लियर चप्पे ठीक है, डेल्टा आ गया रहेगा ना सर, क्या कह रहे हो, d सेंटीमीटर्स में ही रहेगा ना, ऊपर मीटर में आएगा, नहीं d नहीं डेल्टा 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 बेस पीरियड अपॉन d d सर हेक्टर पर क्यूब, ड्यूटी हेक्टर पर क्यूमिक होगा ना, वो सेंटीमीटर में थोड़ी होता है, ड्यूटी तो आपका हेक्टर पर क्यूमिक में होता है ना, ठीक है ना, वो तो आपका हेक्टर पर क्यूमिक में होता है ठीक है, क्लियर है चीज सबको, क्लियर है ठीक है। चलो एक लास्ट टॉपिक कर ले, तो एक मिनट ऊपर करो ठीक है, एक एक छोटा टॉपिक मुझे समझा लेने दो, तो फिर आज खत्म करते हैं, 5 मिनट डेल्टा कितना है सर, राइस के लिए जो डेल्टा है 120 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर ठीक है। चलो एक एक टॉपिक छोटा सा टॉपिक में करा दो, आकाश 5 मिनट वेट करे ना, ये समझ लो उसके बाद ठीक है, ये वाला ठीक है। तो लेट सपोज हमारे पास एक ये मेन रिवर आ रही है, एक मेन रिवर आ रही है, यहाँ पे हमने लगाया है डैम, यहाँ पे हमने लगाया है, लेट सपोज डैम लगाया ठीक है, डैम लगा के हमने ये कि यहाँ से वाटर डाइवर्ट किया अपने कनाल सिस्टम में ठीक है, ये आ गया आपका मेन कनाल, मेन कनाल से चले गया आपका ब्रांच कनाल में ठीक है, मेन कनाल से गया ब्रांच कनाल में, ब्रांच कनाल से आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूटरी कनाल में, यहाँ से आ गया डिस्ट्रीब्यूटरी में ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी से आपका चले गया माइनर में ठीक है, जल शक्ति में जय लगे तो यही करना है, डिस्ट्रीब्यूटरी से कनाल में पानी छोड़ना है, वहां से यहाँ पानी छोड़ना है ठीक है ना, जल शक्ति डिपार्टमेंट में इरिगेशन में यही काम होता है, जय का पानी पहुंचाना है टेल एंड तक, टेल एंड तक पानी पहुंचाना है, अरे वो वाली डिस्ट्रीब्यूटरी बंद करो, ये वाली खोलो, वो वाली बंद करो, बस यही काम चलते हैं उधर, पेल्ट कनाल कौन सी होती है उसके, हाँ पेल्ट कनाल, आवाज नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हो सर, पेरेंट कनाल कौन सी होती है, पेरेंट कनाल ये सब है ना, ये हाँ जो मेन कनाल जिससे आपका पानी आपका डिस्ट्रीब्यूटरी में आ रहा है ना, जो मेन कनाल होती है उसी को पेरेंट कनाल बोलते हैं, जैसे ये अब जम्मू में जैसे रणवीर कनाल है
जो मेन अखनूर रोड से जो मेन कनाल आ रही है, जो आपकी कहाँ से आ रही है, चिनाब से निकल के जो कनाल आती है ना, दो कनाल है मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक हमारा प्रताप कनाल है, एक रणबीर कनाल। प्रताप कनाल जाती है आपकी अखनूर वाली साइड और रणबीर कनाल आती है जम्मू वाली साइड। तो इसी कनाल से आपकी जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स निकलती हैं, जो नीचे तालाब तिल्लो, आर एस पूरा, गोमना से जहाँ पे जाती हैं, जहां से आपका इरीगेशन होता है, ठीक है ना। तो जो मेन कनाल जिससे आपकी डिस्ट्रीब्यूटर, जो मेन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को फीड कर रही है, उसी को हम बोलते हैं पेरेंट कनाल, ठीक है ना। तो ये आ गया आपकी, ये आ गया वाटर कोर्स फाइनल, जो आपकी कच्ची जो होती है, और यहाँ से आ गया आपका जो मेन फील्ड में पानी एंटर कर रहा है। लेट सपोज दिस इज योर फील्ड, दिस इज योर, ये लगाए हैं क्रॉप, ठीक है, दिस इज योर फील्ड, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारी, दिस इज अवर, ये आ गया आपकी रिवर, मेन रिवर, जहां से आप क्या कर रहे हैं, हमने कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगा के वाटर को क्या किया है, डाइवर्ट किया है, ऑब्स्ट्रक्शन लगा के वाटर को डाइवर्ट किया, ठीक है। दिस इज अवर मेन कनाल, दिस इज मेन कनाल, ठीक है, दिस इज योर मेन कनाल, दिस इज ब्रांच कनाल, बी आर ए एन सी एच, ब्रांच कैनाल, दिस इज ब्रांच कैनाल। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, ब्रांच से जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी, ये सीक्वेंस ध्यान से रखना याद, ठीक है, मेन, मेन टू ब्रांच, ब्रांच टू डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, और डिस्ट्रीब्यूटरी से आता है आपका माइनर में, डिस्ट्रीब्यूटरी टू माइनर, ठीक है। चलो अब एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज बताओ मेरे को, जब आपका वाटर, जब आपका वाटर रिवर से, रिवर से फील्ड में आएगा, ठीक है, जब आपका वाटर फ्रॉम रिवर तो कहां पे आ रहा है आपका, फील्ड में, तो क्या उसकी ड्यूटी इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है? इंक्रीज कर रही है सर। उसकी ड्यूटी कम होगी, ड्यूटी कम होगी, ज्यादा होगी, इंक्रीज करेगी सर, क्या बोला, इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, तो इंक्रीज क्यों करेगी, और डिक्रीज करेगी तो डिक्रीज क्यों करेगी, ये मेरे को सर, इंक्रीज करेगी क्योंकि सर डिस्चार्ज डिक्रीज करेगा सर, डिस्चार्ज डिक्रीज करेगा, डिस्चार्ज क्यों डिक्रीज करेगा सर, मेन कैनाल पे ज्यादा होगा ना सर डिस्चार्ज, अरे डिस्चार्ज आपका डिस्चार्ज तो, अरे डिस्चार्ज नहीं, कम क्यों करेगा आपने, आपका कम क्यों करेगा, मेन कैनाल में ज्यादा होगा, इसमें कम क्यों होगा यार, डिस्चार्ज दैट्स अबाउट डिस्चार्ज आपका सेम रहता, सेम सेम रहेगा, कम हो रहा क्यों, डिस्चार्ज कम, आप तो डिस्चार्ज उतना ही आता है, कम कम हो जा, होता है, होता रहता है, क्योंकि दूसरी रिलेशन है ना सर, डी इक्वल टू ए वी, एरिया कम होता है तो वेलोसिटी बढ़, एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी बढ़ गई, यस सर, एरिया कम हो तो वेलोसिटी बढ़ गई, देखो तुम बता सही रहे हो, रीजन बता, बता सही रहे हो, रीजन का गलत दे रहे हो, रीजन गलत दे रहे हो, बिल्कुल सही है, ड्यूटी जैसे जैसे हम रिवर टू हम फील्ड में आएंगे ड्यूटी बढ़ेगी, बिल्कुल सही बढ़ेगी, लेकिन जो आप बोल रहे हो कि डिस्चार्ज कम होगा वो भी सही बोल रहे हो, डिस्चार्ज कम हो जाएगा, लेकिन रीजन गलत बता रहे हो, रीजन गलत बता रहे हो, देखो सिंपल फंडा है यार, जैसे हम अगर हम डिस्चार्ज कम, हाँ एग्जैक्टली लॉसेस होंगे यार, इसके पीछे रीजन एक है, लॉसेस होंगे आपका, आप आपकी परकोलेशन हो रही है, सीपेज हो रही है, इवेपोरेशन हो रही है, ठीक है ना, ठीक है ना, आपके इवेपोरेशन लॉसेस, सीपेज लॉसेस होंगे, अब आपका क्या होगा, लेट सपोज आपका डिस्चार्ज निकला है वहां से 1 m³/s के रेट से, आपका डिस्चार्ज वहां से रिवर से डाइवर्ट किया है, उसको अभी
जो फील्ड है, लेट सपोज फील्ड इज 20 हेक्टर्स, ठीक है, तो उसकी ड्यूटी कितनी होगी, 20/1, 20 हेक्टर्स पर क्यूमेक, ये ड्यूटी होगी. लेट सपोज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेवल, लॉसेस होके डिस्चार्ज रह गया 0.5, डिस्चार्ज रह गया 0.5, एरिया तो उतना ही है 20 हेक्टर्स. अब ड्यूटी कितनी होगी, 20/0.5, ड्यूटी होगी उसकी 40 हेक्टर्स पर क्यूमेक, समझ गए, ड्यूटी तो इंक्रीज होगी ना अब, ठीक है. जैसे लेट सपोज हम अपनी एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम है हमारे 10 दिन है, 10 दिन में 10 चैप्टर करने हैं, ठीक है ना, तो बीच में एक दिन ज्यादा पार्टी कर ली हमने, दो दिन सोए रह गए, अब रह गए 8 दिन. पहले 10 दिन में 10 चैप्टर थे, मतलब एक दिन में एक चैप्टर था, पार्टी कर ली, दो दिन सोए रहे, दो दिन बाद उठे, अब 8 दिन में 10 चैप्टर करने हैं, अब क्या ड्यूटी बढ़ गई हमारी, पहले एक दिन में एक चैप्टर था, अब आपको कोई एक दिन में आपको थोड़े ज्यादा 1.2 चैप्टर करने पड़ेंगे, ड्यूटी बढ़ गई ना. वैसे यहाँ पे है आपका, पानी निकला रिवर से, उसको उसकी ड्यूटी थी 20 हेक्टर्स पर क्यूमेक, 1 m³/s से आपका वाटर निकला. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, कोर्स ऑफ ट्रेवल, आपके लॉसेस हुए, डिस्चार्ज रह गया 0.5 क्यूमेक, अब क्या हो गया, 20/0.5 कितना हो गया, 40 हेक्टर्स पर क्यूमेक, ड्यूटी बढ़ गई, ठीक है ना. तो इस चीज का ध्यान रखना, जैसे जैसे आपका वाटर, जैसे जैसे आपका वाटर कनाल में ट्रेवल करता है, जैसे जैसे आपका वाटर फ्रॉम रिवर या फ्रॉम मेन कनाल टू फील्ड्स में आता है, उसकी ड्यूटी क्या होती जाती है, इंक्रीज हो जाती है. क्लियर है सबको, ठीक है ना, इंक्रीज करेगी ड्यूटी, इंक्रीज करेगी, सही बोल रहे थे आप, आपका इंक्रीज करेगी क्योंकि डिस्चार्ज कम हो जाएगा. सिर्फ रीजन गलत बता रहे थे कि डिस्चार्ज कम क्यों होगा, डिस्चार्ज इसलिए कम होगा क्योंकि लॉसेज हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है चीज सबको, ठीक है. चलो आज इतना ही रखते हैं, कल करेंगे कंटिन्यू, ठीक है, कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, सुबह जल्दी टाइम रखेंगे, 7:30 तक रखेंगे. आज मुझे लगा शायद छुट्टी होगी सबको, इसलिए मैंने 8 बजे रखा था, तो कल सुबह थोड़ा जल्दी रख लेंगे टाइम, 7:30 तक, ठीक है, तो फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं. सो ये वीडियो थोड़ा, ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें, सर ये वीडियो डाल दो, जैसे ही मेरा जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा मैं वैसे ही डाल दूंगा. एक बार समझा दो कि कैसी ड्यूटी कैसे बढ़ जाती है, एक बार.